त्रिजी महाराज की जय। उन्हीं का छोटा भाई विक्रम उज्जैन नगरी के राजा हुए। उज्जैन से यहां अलवर जिले के सरिस्का के जंगल में बाबा भर्तृहरि ने आके जोग लिया, विक्रम को राजा बना दिया। आगे चल के विक्रम का नाम पड़ा वीर विक्रमाजीत। सजनो, इंद्र से हंसनी छुटानी थी इसलिए खांडेराव परी के पास जाता है, खांडेराव परी से शादी करने की जिद करता है। विक्रमाजीत के रोल में मैं खुद हूं और खांडेराव परी लेडीज कलाकार का रोल हरी मिर्च को दे रहा हूं। आइए किस प्रकार एक दादा लक्ष्मीचंद के ब्रह्म ज्ञान की रागनी पूरे मनोरंजन के साथ आपको सुनाएंगे। चलिए भैया। महाराज नु तो मैं खांडेराव परी सा लाग नहीं रहा के तो मेरे भी टिक्की बिंदी उन में टेम लाग जाएगा के चुन्नी चानी दे दे। चुन्नी भाई कोई महिला कलाकार ही दे दो जो भी बनेगी। लव चले लो उषा ही दे वरे उषा बेटा तू दे ले उषा की तरह उड़। चुन्नी देती शर्मावे है वो चोड़े गले के पेरे तो सूट। उषा की तरह उड़ लूंगी ना मुन कोई ले रहे को गहल। हाँ तो खांडेराव परी कहिए मुसाफिर मुझे तेरे साथ शादी करनी है। क्या? तेरे साथ ब्याह करना है शादी करनी है। ले बोल आए तना पांच मिनट नहीं हो आता ही ले ले नोशी तू। मैं तना जानती नहीं पिछानती नहीं कौन कितका मैं नहीं करती ब्याह भी। अरे पागल मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया। फिर मैं क्या करूं? मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया तेरे से प्यार हो गया। दिल आ गया? दिल तेरे ऊपर आ गया। वाह ठीक है मेरी भी किडनी आ गई तेरे ऊपर। पर सुन शादी शुदी नहीं। देख मेरी बात सुन। हाँ मेरा दिल जिसके ऊपर आ जाता है मैं उसी से शादी करता हूँ। मैं नहीं करती भूल जा इस बात ने। मैं कोई ऐरा गहरा न थू खेरा नहीं हूँ। और क्या है तू? मेरा परिचय ले दे। इस नगरी का नाम बता। इस नगरी का नाम है तामोल। तामोल नगरी का राजा कौन? श्याम धाम। श्याम धाम की छोरी कौन? उगी छोरी है रतन कौर। रतन कौर का बटे हु कौन? अभी ताजा ताजा ब्याह होया कोई विक्रमाजीत वीर विक्रमाजीत है। मैं वो है वीर विक्रमाजीत सु। फिर तेरा तो ब्याह रतन कौर गैल हो गया मेरे द्वारा बैंगन लेना आया तू। खांडेराव परी हाँ हम राजा आदमी है दो चार ब्याह कर ले कोई फर्क नहीं मारता मारा। मैं नहीं करती। आगा देख का चाल बटे उ को दे ठोकर लागे पां भिड़के। इस खांडेराव परी ना मानस लाखा घेर दिए गड़के। तन मूरख लोग गड़े होंगे। और तू ज्ञानी से? मैं ज्ञानी सु। ज्ञान की परीक्षा दे सवाल बुझूंगी अगर ठीक जवाब दे दिए तो ब्याह की भी सोचूंगी। देखो सवाल करेगी जवाब मैं दूंगा। अनपढ़ गुंठा टेक लक्ष्मीचंद ब्राह्मण हरियाणा का सूर्य कवि ये पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसे सवाल और जवाब नहीं करेगा। कैसे सवाल करे क्या जवाब दिए एक एक लाइन गौर से सुनना मेहरबान हो। सुनिए बड़ी बेहतरीन बात आई आई। अरे मानस आए जो अरे बोलिए रे मुसाफिर तन में सिड़क हो Oh, 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 oh
भागे अड़ मानस आए जो बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में शिड़को क्यों करोगी तेरे तन में मेरे सवाल के जवाब दे ठीक है और सुन इसे उसे सवाल को ना कति ध्यान तो सुनकर तोते ही राल जवाब दे दे थोड़ा सा मुंह दिखा दे मुंह बाद में देखिए पतलो दुपट्टो मुंह यही दिख रहा सुन सवाल सुन ले जवाब के लगे कति नु तुरंत हिसाब ते लो लोगो ज्ञान लड़कर जोर पड़ेगा सवाल पे ध्यान दियो के सवाल से सुन ले कौन देवता हाँ ये कौन देवता तपे रोजाना कौन देवता तपे रोजाना किसने आदत नावन आली कौन श्याम ने सब घर आवे होया सवेरा जावन आली कौन देवता सब रस उगले कौन दूसरी खावन आली कौन देवता सब रस उगले कौन दूसरी खावन आली अरे कौन पखेरु बिना पंख का कौन पखेरु बिना पंख का कौन से बिन काल बता दे कौन सरोवर बिना नीर का कौन पेड़ बिन डाल बता दे मैं उसकी गल्या ब्याह करवा लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे उसकी गल्या ब्याह करवा लूं पूरे मेरे सवाल बता दे ओए कौन जगत में एक है कौन जगत में एक है अरे कौन जगत में दो बड़े अजीब सवाल है तेरे एक बार दोबारा दोहरा के बता कहीं के समझ में नहीं आई होगी कौन देवता तपे रोजाना किसने आदत नावन आली एक देवता ऐसा है जो रोजाना आग के बीच तपता है कौन श्याम ने सब घर आवे होया सवेरा जावन आली एक देवता ऐसा है रोजाना कई बार स्नान करता है कौन शाम को घर आता है कौन देवता सब रस उगले कौन दूसरी खावन आली ठीक है कौन पखेरु बिना पंख का कौन सा बिन काल बता दे कौन सरोवर बिना नीर का कौन पेड़ बिन डाल बता दे मैं उसकी गल्या ब्याह करवा लूं जो पूरे मेरे सवाल बता दे ठीक है कौन जगत में एक से कौन जगत में दो दे दो जवाब दे दे सूर्य देवता तपे रोजाना सूर्य देवता तपे रोजाना परमाने आदत नावण आली रात सांझ ने सब घर आवे हुया सवेरा जावण आली वो इंद्र देवता सब रस उगले धरती माता खावण आली इंद्र देवता सब रस उगले धरती माता खावण आली जीव पखेरु बिना पंख का मैंने सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका पंख नहीं है एक जीव आत्मा कैसे ये ऐसा पक्षी है जिसका पंख नहीं है पर नहीं है क्या ये उड़ता है उड़ता है किस प्रकार उदाहरण देके बताओ लोग कहते नहीं रे फलाना आदमी ईब तो ठीक ठाक बैठा था ईब इसका प्राण पखेरु उड़ गया हाँ तो ये दिखता भी नहीं है ठीक और उड़ भी जाता है हाँ जीव पखेरु बिना पंख का नींद से बिन काल बता दो आग सरोवर बिना नीर का धर्म वृक्ष बिन डाल बता दो ब्याह करवा चाहे ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दो ब्याह करवा चाहे ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दो सवाल तो बता देगा पर मेरे आखिरी सवाल यो था कौन जगत में एक से कौन जगत में दो इसका और बता बात जचे तो ताली बजा के बताना सुनिए पहले क्या कौन जगत में एक है कौन जगत में दो तो सुन हाँ राम जगत में एक है राम जगत में एक है भाई चांदर सूरज दो Oh,
500 रुपए धर्मेंद्र, 500 रुपए दिलबर, अगर ब्याह करे तो कन्यादान में लिख लिए जा। यो ताऊ भी देके गया था कन्यादान, ताऊ में सच्चाई छोरी को न्या आंख मार लो से मेरे गाली में। कि यो भी दे है और आ तो बेरियो कन्यादान थोड़ी दे है, तो ये तो बाती है, बात देगा। देखा नेरा परी, मैंने तेरे सवालों के जवाब ठीक ठीक दे दिए, तेरे संतुष्टि है? बिल्कुल संतुष्टि है। आपके संतुष्टि है साहब, जवाब ठीक थे? एक ताली बजा के बता दो। सबके सब बिचौलिया बन गए, तने ब्याह करना पड़ेगा। तेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए, सारे सवालों के जवाब। अभी की सवाल अभी तो आधे सवाल हो, हाँ दे तो फिर एक काम कर। हाँ। इसका मतलब तू मेरी 50% आधी तो बहू बनगी। अभी तो 5-1% मान, पूछ क्यों? क्यों अभी ये तो सवाल थे, अभी मेरी कुछ शर्त और है जिनके आधार पर रहूंगी मैं। ये भगवान शर्त भी है? हाँ। के शर्त से तेरी? कि मेरी गल्या ब्याह करवाना धक्का पेल नहीं से। हाँ। और एक आदिनी 16 शर्त पुगानी होगी, हंसी खेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी, हंसी खेल नहीं से। अच्छा के से तेरी 16 शर्त गिनवाऊ? हाँ। कदे तेरे पानी बिचू? पानी बिचे ना, चल कोई बात ना, काम चला लूंगा मंजूर। कदे तेरा खाना नहीं बनाऊ? कमाल कर दिया, ठीक है होटल पे खा लूंगा जाके, मंजूर है। जाडे आगे तेरा पानी बिताता नहीं करूं, ठंडे में नहाऊंगा अपने गुरुजी की तरह। तेरे सेज भी नहीं बिछाऊ? अरे सेज में सारे सिस्टम समझी, सेज भी नहीं बिछाऊ? अच्छा हाँ, सेज नहीं बिछाओ, चल मैं आप पे बिछा लूंगा, कोई बात को नहीं। अरे सबसे बड़ी बात यो, दिन में रहूंगी रात न कौन रहूं? अरे ये कैसी शर्त है तेरी? यो शर्त मानता हो तो ठीक है, नहीं मैं ताऊ आंख मारा है तेरी, गेल जाती रहूंगी। दिन में रहेगी रात को नहीं रहे? ना रात न नहीं रहूं। भले घर की औरत रात को बाहर नहीं निकलती, लेक्चर मन जाने होता आया ना, बात खत्म। अजर रात को कहां जाएगी? किते जाओ, मैं तेरे साथ चलूंगा। तू के पर्ची बनाओगा, तू क्या करेगा काम मेरा? नहीं मैं जाऊंगा। दिन में चली जाना? ना ना काम ही रात को मेरे सारो। कमाल कर दिए, रात ने तो सोडा जाओगी, किते जाओ सही। देख मेरी बात सुन। हाँ। अगर ये शर्त है तेरी, दिन में रहेगी रात को नहीं रहूं ना, तो ठीक से भाई मैं तो दिन में देख लूंगा, बाकी मंजूर से। यो भी मंजूर? मंजूर है। तो मेरी लास्ट शर्त सुन ले। इब के रह गया बुआ? सुन तो सही बुआ। कदे तू मेरे तब बोलिया? हाँ। तो तू मेरा गुलाम, मैं तेरे तब बोली, मैं तेरी गुलाम। मरवा सबसे ठीक है। ये कैसी शर्त है तेरी? मेरी तो यही शर्त है, मैं बोले तो मैं गुलाम, गुलाम, और तू बोली मैं गुलाम। फिर तुम ना पाडे के लिए ब्याह कर लिया, नहीं समझ? पाडो पड़ो है क्योंकि कमा के देखो, मैं वहां भी ना करूँ। देख ये तो तेरी ज्यादती है, अगर मैं बोला अरे मैं तेरे, देख सुन, तू मेरे सुख दुख की लेना, मैं तेरे लूंगा सारी सुख दुख की। मैं दूंगी कौन सुख दुख की? सुन सिस्टम ऐसे नहीं होगा, ये बता मंजूर है तो ठीक है, नहीं मैं नहीं करती ब्याह भी, राम राम फिर चलूं मैं। खांडे रे पर ही ब्याह तो मैंने करना है, करना है। चल एक काम कर, हां इतवार संडे मंडे एक दिन धर ले बोलन का। ना ना कोई दिवाली की भी छुट्टी कोने, ठीक से तू भी के याद करे कौन फंसा। मंजूर है या भी मंजूर? 16 शर्त मंजूर। तो फिर मौसा ब्याह करके के करागो तू? मौसी में तो करूंगा, किमी भी हो जाए। तो फिर मेरे थोड़े से सवाल का जवाब और दे। हाँ, सुन ले। किसने मांगा? बादल डीजे साउंड। जी हाँ, बादल डीजे साउंड। सोनू भाई 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद बादल भाई।
अरे किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करड़ी धूप, किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप, कौन चाहवे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप, कौन चाहवे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप। अरे कौन करते दान जगत में, क्या के भरे रहे भंडार, कौन उठे कष्ट जगत में, किसके जाक पड़ती मार, तेरा मारा ब्याह हो जाजे राजी हो जा वो करतार, तेरा मारा ब्याह हो जाजे राजी हो जा वो करतार। ओए कौन जगत में जागता, कौन जगत में जागता, अरे कौन रहा पड़ सो सवाल है जी, बता दे कौन, किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करड़ी धूप। बुजुर्ग अपने समाज में एक आदमी ऐसा है जो रोज कहता परमात्मा बारिश हो जाए, वहीं एक आदमी है रोजाना भगवान से रिक्वेस्ट करेगा परमात्मा बारिश ना हो जा, धूप लिकड़ी रहे, कौन है वो, ये सवाल है। किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप, भूप का मतलब राजा, कैसा राजा अच्छा, हाँ। ठीक है, कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप। एक आदमी रात चांदनी मांग रहा है और एक रूप छुपाना चाह रहा है, हाँ। बताऊंगा कौन करते दान जगत में, क्या चीज के भरे रहे भंडार, बताऊंगा कौन ओटे कष्ट जगत में, किसके जाकर पड़ती मार, ठीक है, तेरा मारा ब्याह हो जा जर राजी हो जा वो करतार, बिल्कुल राजी करता, कौन जगत में जागता, कौन रहा पड़ सो। तो सुन, हाँ। माली मांगे रोज बरसना, सैनी माली बाग का, माली मांगे रोज बरसना, धोबी मांगे करड़ी धूप, सतपुरसा की नगरी अच्छी, सच्चा बालक अच्छा धूप, साजन मांगे रात चांदनी, एक चोर छुपाना चावे रूप, के भर रहे भंडार, रंडी ओटे कष्ट जगत में, धर्मराज के बिला के मारे, लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते राजी हो जायो राम कुमार, लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते राजी हो जा संसार। लास्ट सवाल था मेरा, कौन जगत में जागता, कौन रहा पड़ सो। ये सारे जागे हैं, इनमें भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जो सामने दिख रहा है उस तरीके से नहीं, ये गहराई का सवाल है, इनमें भी कई सुते पड़े हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का सवाल है, हाँ। बढ़िया लगे तो आशीर्वाद देना, देखो क्या कहा, कौन जगत में जागता, कौन रहा पड़ सो। आज पाप जगत में जाग रहा भाई, पाप जगत में जाग रहा, और धर्म रहा पड़ सो।